नमस्कार अभिनंदन विद्यार्थियों हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत वसंत पुस्तक के साथ साथ महाभारत नामक पुस्तक को भी स्थान दिया गया है रामायण महाभारत गीता हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं आदि ग्रंथ माने गए हैं जिन्होंने समाज को विशेष रूप से एक प्रेरणा एक सीख देने का काम किया है लगभग पाँच हजार वर्षों से ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और इसी संस्कृति को और अपनी सभ्यता को जानने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में इन्हें स्थान दिया गया है ताकि आप जैसे बच्चे इन्हें पढ़ें और अपनी सभ्यता संस्कृति धर्म आदि के विषय में जानकर अपने भारत देश के जगतगुरु होने पर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करें महाभारत नामक कथा की अगर हम बात करें यह कथा महर्षि पार्षद के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन कही जाती है व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को याद कराई थी बाद में उनके जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने की मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशम के द्वारा किया गया वैशम्पायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे और ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो महर्षि शौनक थे सूजी द्वारा ऋषियों की इस सभा में महाभारत की कथा को प्रारंभ किया गया महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और अकाल मृत्यु होने पर भाई विचित्र वीर्य राजा बने उनके बाद धृतराष्ट्र पांडु और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे इस कारण उस समय की नीति के अनुसार पांडु को राजा बनाया गया अब आप समझिए इस कथा को बच्चों कि इस कहानी महाभारत की जो कथा है उसके अनुसार जो कथा है वो प्रारंभ हुई थी राजा शांतनु से राजा शांतनु के दो पुत्र थे और चित्रांगद को उनके बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया था लेकिन चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो गई थी तो उनके भाई विचित्रवीर्य को बैठा दिया अब पिछले वीर के भी दो पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे उन्हें राज्य नहीं सौंपा जा सकता था तो यह कार्य पांडु को सौंप दिया गया पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया उनकी दो रानियां थी कुंती और माद्री कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए जंगल में चले गए साथ में कुंती और माद्री भी उनके साथ चली गई और वहीं पर कुंती और माधुरी ने पांचों पांडवों को जन्म दिया और उसके पश्चात पांडु की मृत्यु हो गई और पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों के संरक्षण में पालन किया गया उन्हें पढ़ाया लिखाया गया और जब युधिष्ठिर सोलह साल के हो गए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया अब जो पांचों पांडव थे जंगल में रहे थे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद था शरीर और तेज से बहुत तेज थे प्रखर बुद्धि मधुर स्वभाव सभी जो है उन्हें प्यार करने लगे अब यह देखकर जो धतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए थे उनके मन में उनके लिए जलन पैदा हो गई। दिन भर वो साथ रहते क्रियाकलाप करते लेकिन दिन प्रतिदिन एक दूसरे के लिए जो पैर भाव था वो उनका बढ़ता चला गया कौरव हस्तिनापुर में राज करते थे पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बना लेकिन उसके लिए भी कुछ दिन ही शांति रही फिर चौसर खेलने का जो रिवाज उस समय था बाजियां लगती थीं उसके मुताबिक पांडवों और कौरवों ने जब चौपड़ खेला तो कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया फलस्वरूप उनका राज्य छिन गया और तेरह वर्ष का वनवास उन्हें भोगना पड़ा अब इस वनवास में एक शर्त थी कि तेरहवें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास भोगना होगा यदि वो अज्ञातवास पूरा हो गया तो उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाएगा द्रौपदी के साथ पांचों पांडव बारह वर्ष तक वनवास उन्होंने जो है झेला और जब तेरवा साल शुरू हुआ और वो अपना एक वर्ष का ज्ञातवास काल जो है पूरा कर वापस लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया और उसके लिए पांडवों को कौरवों से युद्ध करना पड़ा युद्ध में सारे कौरव जो थे वो मारे गए और तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने लगभग छत्तीस वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया और उसके बाद अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई वह एक तरीके से महाभारत का सार है पूरी कहानी है लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से हम महाभारत के एक एक चरित्र को जानेंगे एक एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि भीष्म पितामह कौन थे अर्जुन कौन थे कृष्ण कौन थे बलराम कौन थे द्रौपदी का क्या उद्देश्य था दुर्योधन का आश्रम कैसा था गुरु कौन थे द्रोणाचार्य और अश्वस्थामा का क्या योगदान महाभारत में रहा या कर्ण की क्या कहानी थी कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई एक एक करके हम सभी चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे सुनेंगे और साथ ही साथ जो संक्षेप में कथा मैंने आपको सुनाई है उस कथा को भी विस्तार रूप से जानते चलेंगे यह कथा अपने आप में बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है इसके मुख्य पात्रों में अभी मैंने बहुत से नाम आपके समक्ष लिए तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में शांतनु से लेकर परीक्षित तक के सभी पात्रों के नाम लिखेंगे चाहे वो विदुर हो वेद व्यास हो द्रोणाचार्य अश्वस्थामा दुशासन दुर्योधन गांधारी कुंती पांडु या सुदा यदुशासन पितामह, कर्ण शिखंडी बहुत सारे पात्र हैं तो जितनों के भी नाम आपको अब तक समझ आए हैं आप उन सभी के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और फिर हम एक एक पात्र के विषय में पढ़ना आरंभ करेंगे और अपनी अगली कक्षा में सर्वप्रथम हम भीष्म पितामह के बारे में जानेंगे क्योंकि शांतनु के सबसे बड़े पुत्र पुत्र के रूप में और सबसे शांतनु के बाद उन्हीं का नाम आता है और अंत तक चलता है लगभग तीन पीढ़ियों की कहानी इस महाभारत में है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद